अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए स्मोक में रिव्यू कर दूं, वो है इसका। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्मोक हो या फोग हो, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आल्टो का रिव्यू दूंगा। जैसे कि आप लोगों ने बिल्कुल इस गाड़ी को कहा था कि पीपा है, साबुनदानी है, मैं इससे एग्रीड हूँ। अब बात कर लेते हैं ये सुजुकी आल्टो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इसका जो वेरियंट है वो VXR है। VXR वेरियंट जो है वो मिड वेरियंट है। इसमें आता है VXR और VXL। जो VXL है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, लेकिन जिसका रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी है और ये है VXR। मैं आपको बताता हूँ जो VX और VXR और VXL में डिफरेंस है वो कोई ज़्यादा मेजर नहीं है। VX में आपको AC नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है, और उसके अलावा पीछे सीट बेल्ट्स नहीं मिलती। और अगर हम VXR की बात करें तो VXR में हमें AC मिलता है और इसकी पीछे सीट बेल्ट्स भी मिलती हैं और बिल्ट इन स्पीकर भी मिलते हैं इसके फ्रंट डोर के हमें मिलते हैं, ऑल डोर्स के हमें स्पीकर नहीं मिलते। तो अगर हम इस गाड़ी का रिव्यू शुरू करूँ तो जो लोग बिल्कुल कहते हैं, अगर हम इसकी एक्सटीरियर की बात करें तो इसकी ये देखें, इसकी बिल्ड क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले, गाड़ी तो मेरी है लेकिन मैं आपको सबसे पहले इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं जो मेरे ख्याल से अभी तक कोई किसी ने नहीं दिया होगा। आए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें हल्की सी मेरे ख्याल से कोई गाड़ी लगी है और इसके अंदर आपको जो है वो गैलेक्सी महसूस हो रही होगी। ये एक डेंट है जो कि ये चलो एक रोड इंसिडेंट में हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जो इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाता हूँ वो ये देखें, सबसे पहले ये देखें ये पेंट यहाँ से इसका जो है वो ऊपर से कोई चीज़ तो नहीं लग सकती जिससे इसका पेंट उतर जाएगी, उतरा नहीं है, ये एक जंग पकड़ा है यहाँ से। उसके बाद आप ये देखें ये जो मार्क्स हैं, ये इस गाड़ी की ये बिल्ट इन क्वालिटी है, यानी कि जो इसकी पेंट है, इसकी फिनिशिंग है वो ज़ीरो है। मेक मॉडल की बात करें तो ये 2021 का मॉडल है, दिसंबर का, 16 दिसंबर 2021 में मैंने ये शोरूम से रिसीव की है, और 2022 की इसकी रजिस्ट्रेशन है। तो हम इसको कंसीडर कर देते हैं 2022 में जब मैंने इसको लिया था तो इसकी 13,35,000 इसकी इनवॉइस थी और 15,000 नॉन फाइलर का, और रजिस्टर करवा के गाड़ी मुझे पड़ी 14,00,000 की। उसके बाद जो लोग कह रहे थे अलॉय रिम्स और ये सारा खर्चा जो कुल मिला के मेरा आया था वो इस पर आया था 180 to 200K। अच्छा, अब खर्चे में बता देता हूँ क्या है। ये अलॉय रिम्स हैं, ये भी आफ्टर मार्केट हैं, ये टायर हैं, ये भी आफ्टर मार्केट है। अलॉय रिम जो है इसके 13 इंच के हैं, और अगर इसका आफ्टर मार्केट ये मैंने पेंट करवाया हुआ है। उसके बाद अगर मैं इस गाड़ी की सबसे मेन चीज़ जो इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी का इंटीरियर है। अच्छा, इन पैसों में गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छा है, यानी कि इंटीरियर जो है आपको ये छोटी गाड़ी की लुक नहीं देता। अगर आप बात करें तो ये देखें, अगर मेरी जो हाइट है वो 6.3 है, और एक 6.3 वाला बंदा कंफर्टेबली जो है इस पर आराम से बैठ सकता है। अब अगर मैं गाड़ी की अंदर की बात करूं तो इसमें ये एक जो है एंड्रॉयड पैनल है जो कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। उसके बाद ये गाड़ी को मैंने पावर विंडो करवाया हुआ है, ये भी आफ्टर मार्केट है जो है हैंड रेस्ट, ये भी जो है वो आफ्टर मार्केट है। बड़ी चीज़ें हैं गाड़ी में इस तरह की जो आफ्टर मार्केट ही हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं ये तो ये फैब्रिक आता है, ये पोशिश जो है जिसे हम रैगजीन कहते हैं, ये मैंने आफ्टर मार्केट करवाई है। उसके बाद इसके अंदर एक मैं आपको दिखाऊं, अगर तो बूट स्पेस टोटल इतनी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी बूट स्पेस कम होने की वजह से गाड़ी की जो पीछे भी बंदा आराम से बैठ सकता है उसकी टाँगें नहीं बसती। अच्छा, अब जहाँ से गाड़ी कॉम्प्रोमाइज है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है ये हेडरेस्ट होने चाहिए इसके जो कि नहीं है, पिछली सीट जो है इसकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि आप पूरे जाते हो लेकिन उस वो कंफर्ट लेवल नहीं है इसका इतना अच्छा। पेंट क्वालिटी फिर मैं बात करूँगा तो ये देखें, ये इसकी पेंट क्वालिटी है गाड़ी की। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ ठीक है और यहाँ ये हो गया हुआ है, तो पेंट क्वालिटी जो है इसकी वो उससे मैं बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ।
साइलेंसर के आगे जो टिप लगी हुई है ये मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाई है। ये बम्पर जो है इसमें वाइड आते हैं, ये ब्लैक मैंने आफ्टर मार्केट करवाया है। तो आप ये समझ लें सिर्फ गाड़ी मैंने सुजुकी से ली है, बाकी सारा कुछ आफ्टर मार्केट ही है। अब मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो आप इंजन देख लें, थोड़ा सा गंदा है, कपड़ा मारने वाला है, लेकिन ये जो इसे रमदा कहते हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक ये मैंने लगवाया आफ्टर मार्केट लगवाया है, क्योंकि आवाज़ इसकी नॉइज जो है इंजन की बहुत ज़्यादा जो गाड़ी के अंदर तक आपको आती है। ये कवर है, ये आफ्टर मार्केट है, कंप्यूटर कवर है। तो और ये 660 सीसी इंजन है इसका। अब मैं गाड़ी की अगर आपसे बात करूँ एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की, इसको हम इसके साथ समराइज करते हैं। अब इस गाड़ी का जो सबसे पहले मैं एडवांटेजेस की बात कर लूँ तो एक तो कम प्राइस में अच्छी गाड़ी है। खैर अब इसको कम प्राइस में तो नहीं कह सकते, आप ये देखें कि अभी इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 28 लाख है विद रजिस्ट्रेशन। 28 लाख रुपए में कहीं पे भी ये गाड़ी जस्टिफाई नहीं करती। अगर आपके पास 28 लाख है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इसमें रीबॉर्न मिल जाती है, रीबर्थ मिल जाती है, रीबॉर्न बहुत अच्छी मिल जाती है, रीबर्थ मिल जाती है, XLi मिल जाती है, GLi मिल जाती है, और भी बड़ी गाड़ियाँ यूज़ में आप ले सकते हैं अगर आप जैपनीज़ में जाएं। और अगर आप इसमें जैपनीज़ में जाएं तो N1 मिल जाती है, बीरा मिल जाती है, विट्स मिल जाती है 2008 मॉडल, 2005 मॉडल। तो मैं यही कहूँगा कि जिसने भी 28 लाख रुपया खर्चना है वो काइंडली इस गाड़ी पर अगर आप अप्लाइड फॉर गाड़ी का मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास इस गाड़ी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 28 लाख से 30 लाख, यानी जो इसका टॉप वेरियंट है वो 32 लाख रुपये पर, आप 32 लाख रुपये इस पर खर्चें और अप्लाइड फॉर गाड़ी चलाएँ। कि मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो वो ये है कि सबसे मेन चीज़ जो ये बिकती है अपने फ्यूल एवरेज पे, फ्यूल एवरेज अगर इसकी बात की जाए तो सर्दियों में ये आपको 21 तक एवरेज दे देती है। अभी तक अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं तो इसमें मुझे 21 सर्दियों में और मिनिमम 18 गर्मियों में इससे मुझे जो है एवरेज प्रोवाइड की हुई है। तो एवरेज की अगर बात की जाए तो बेहतरीन गाड़ी है ये। अगर किसी को फ्यूल इश्यूज हैं, अगर आपके पास 1-5 लाइक बाइक है और आप चाहते हैं कि गाड़ी चलाना, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप आल्टो लें। और इस टाइम आल्टो आपको पता है ऊबर और इनड्राइव पे बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में भी है। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि उड़ती मक्खी अगर इसको लग जाएगी तो वो जिंदा बच जाएगी, इसको डेंट आ जाएगा। तो डिसएडवांटेजेस तो इसके काफ़ी हैं, इंजन नॉइस है, इसकी बिल्ड क्वालिटी है, इसका इंटीरियर अच्छा है, और यानी कि छोटी गाड़ी है, यानी कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप पीछे बैठो अगर आपके पास कुछ थोड़ा सामान हो, क्योंकि बूट स्पेस बहुत कम है। और एडवांटेजेस मैंने आपको इसके बता दिए। और अगर आप इसको इसके ओरिजिनल टायर्स के साथ चलाते हैं तो जो इसके ओरिजिनल टायर्स हैं वो रक्षे के टायर जितने इसके टायर्स हैं, इतने पतले। इसलिए इसमें आपको लेने के बाद, अगर आप ये गाड़ी 28 लाख रुपये की लेते हैं तो आपको लेने के बाद कन्फर्म इस पर 1 से 1.5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा इसकी थोड़ी सी बुत्थी निकालने के लिए। इसके अलॉय रिम्स और टायर्स वगैरह का बड़ा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस गाड़ी के ओरिजिनल टायर्स पे आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं है। अपनी गाड़ी की बात करूं तो मैंने 38,000 चलाई, लेकिन हाँ अगर आपका सिटी में बहुत आना जाना है सारा कुछ है तो फिर सिटी के लिए एक बेहतरीन गाड़ी है। तो ये था टोटल मेरी गाड़ी का रिव्यू, और हो सकता है मैं जल्दी इसको सेल कर दूँ, क्योंकि ये मेरी पहली गाड़ी थी इसलिए मैंने इस पर काफ़ी पैसे लगवाए और इसको मॉडिफाई करवाया। तो बाकी अगर आप लोगों ने आल्टो लेना चाहते हैं तो ये एक बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू है इस आल्टो का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखो, स्मोक से बचो। हमजा भाई किधर जा रहे हैं जी भाई? मेरी बाइक का रिव्यू था, वो रिव्यू करना है आपने अभी, उसकी रेस थी यार। बाइक तो मैं भूल गया, वो आपने रिव्यू करने आए हो अभी। चलो करते हैं, आपको ये वाला रिव्यू नेक्स्ट व्लॉग में दिखाते हैं।